नमस्कार, इस समय तस्वीरें देख रहे हैं देवीलाल चौक से। किस तरह से देख सकते हैं, एक ट्रक वाले की एक गाड़ी के साथ टक्कर होती है। आप देख सकते हैं गाड़ी पूरी तरह से जो आगे से एक साइड से बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। डायल 112 की टीम मौके पर है और गाड़ी चालक भी यहीं पर है, उनसे भी जानने का प्रयास जरूर करेंगे। हालांकि ट्रक वाला यूपी नंबर है और AT 1516 है, उससे भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कैसे एक्सीडेंट हुआ। भैया कैसे हुई एक्सीडेंट, कैसे हो गया एक्सीडेंट? डिवाइडर के अलावा खड़ा था मैं। हाँ। जैसे बस्ती हुई मैंने भी पीछे से लाभ डी से बराबर साइड में। हाँ। बस ऐसे ही हुआ है। तो पीछे से लगी है गाड़ी? नहीं है, अगले टायर से। हाँ, दिखी नहीं थी आपको? आपको दिखी नहीं थी गाड़ी उस समय? बराबर में शीशे में थी पहले। अच्छा। हाँ, ये बाद में आई। अच्छा, आप देख सकते हैं ये गाड़ी भी यूपी नंबर है और ट्रक भी यूपी नंबर है, UP 11CH 9006। गाड़ी चालक भी यहाँ पर है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। डायल 112 की टीम मौके पर जरूर पहुंच चुकी है, जिसकी आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। अल्टो गाड़ी का जो आगे से नुकसान है वो जरूर हुआ है, हालांकि ट्रक की अगली साइड जो है यहाँ पर लगी है। डायल 112 की टीम मौके पर है और गाड़ी चालक से भी जानकारी लेने का प्रयास जरूर करेंगे। फिलहाल ट्रक वाला यहाँ पर मौजूद है। अब जो है क्या खर्चा वगैरह दोगे इसका या क्या ठीक करा के दे रहे हो? आप देख सकते हैं डायल 112 की गाड़ी मौके पर पहुंची थी। नफे जी, क्या कुछ जानकारी मिली थी यहाँ पहुंचे थे? हमारे पास कंप्लेंट आई थी डायल 112 से भी, दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया, तो हम मौके पर आए, इनसे पूछताछ करी तो गलती मान लिया ट्रक वाले ने, इसकी गाड़ी को ठीक करवा रहा, दोनों का समझौता हो गया। दोनों का समझौता हो गया है, ट्रक वाला ठीक करा रहा है। आप चला रहे थे गाड़ी भैया? क्या चला रहे थे, क्या हुआ था जी? जी हम यहाँ खड़े थे बत्ती पर जी। हाँ। देखे से हरे बत्ती होने जी। हाँ। कम चलने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए इनने चलने इसमें छेड़ मारी थी अच्छे सारे। हाँ। ये भी हमारी प्रॉपर छेड़ में खड़ा था। तो गाड़ी आपकी नीचे थी, दिखी नहीं इसको? जी प्रॉपर में खड़ी थी। अच्छा, जैसे चला जी ने इसमें टक्कर मारी थी, हमारी कोई गलती नहीं थी, गलती इस भाई की है। तो आप ठीक करा के दे रहे हैं? जी ठीक करा के देगा जी। हो गया फैसला आपका? हाँ जी फैसला। आप देख सकते हैं फैसला हो गया है, राजीनामा हो गया है, ये गाड़ी ठीक करा कर देगा। ये देख सकते हैं आपकी खुद की गाड़ी है? नहीं जी। तो मालिक से बात हुई है? मालिक से बात हुई, अभी तो ये बता मांगे क्या करना, जब तक बात करवाना। नहीं वो तो कह रहे ठीक करा के दोगे, बस तो ले चलो तुम। हाँ, क्या दिक्कत है? टायर भी फट गया, कम से कम 20-25 हज़ार रुपए किराया भरोगे आप? 20-25 हज़ार रुपए नहीं, ये तो इंश्योरेंस करेगी, जो इंश्योरेंस होगा इसका। टायर तो मिलता नहीं इंश्योरेंस में? टायर तो मिलता नहीं, टायर का जो होगा वो देंगे, सब कुछ देगा, अगर देगा तो इंश्योरेंस। प्लास्टिक का भी नहीं मिलता, लाइट भी नहीं मिलेगी? लाइट तो सही है, इंश्योरेंस में देख सकते हैं ठीक करवाएंगे। टायर हालांकि नहीं मिलता, वो टायर ये देंगे ड्राइवर ऐसा बताते हुए नजर आ रहे हैं, और नई गाड़ी है। भैया आपका तो इंश्योरेंस है जीरो डेप होगा इसका इंश्योरेंस? जीरो डेप इंश्योरेंस होता है जिसमें प्लास्टिक का भी मिलता है, वही इंश्योरेंस है? तो फिर तो आपको मिल जाएगा, टायर टायर का जो है वो इनसे ले लो आप। हाँ, तो फिर तो आपको मिल जाएगा प्लास्टिक का भी, टायर का नहीं मिलेगा, टायर का आप इनसे ले लो। नहीं वो तो ठीक हो जाएगी, जो टायर का नहीं होगा तो एजेंसी नहीं देगी, तो उसके ही दे देगा। बाकी जो आपका फाइल का खर्चा आएगा वो भी ये दे देगा 1500 रुपए, और टायर का भी ये दे देगा, वो आप ले लेना, आप ले जाओ एजेंसी साथ में इसको। आप देख सकते हैं आप ले जाओ एजेंसी में, वो कह रहा है मैं जो दूंगा आप एक बार दिखा लो एजेंसी में ले जाके। आप देख सकते हैं यहाँ पर है, जो कार चालक है उनका कहना है कि एजेंसी में लेकर जाएंगे, उसके बाद जो भी खर्चा होगा वो ट्रक चालक देने को तैयार है। अपील आप सभी से, इस वीडियो को देखने वाला, इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे। करनाल के देवीलाल चौक पर अभी कुछ ही समय पहले ये हादसा हुआ था, और जैसी जानकारी मिली मौके पर पहुंच कर देखा तो ट्रक वाले ने गलती मानी है और वो ठीक कराने को भी तैयार है। डायल 112 की गाड़ी मौके पर है, हालांकि राजीनामा जो है वो करवा दिया गया, अपील आप सभी से, इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे।